हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेंद्र में। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वैकेंसी हमारी फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसियाँ लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं। तो आज की जो हमारी वैकेंसी है वो निकली है हमारी मिस धातु निगम लिमिटेड में, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस का मिनी रत्न कंपनी है। इसमें जो हमारी पोस्ट हैं, हमारी पहली पोस्ट है जो वो है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की। इसका स्केल पे जो रहेगा वो 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये, प्लस CTC इसका रहेगा 9 लाख से लेके 31,60,000 रुपये तक। नंबर ऑफ पोस्टें कितनी रहेंगी इसकी, दो पोस्टें हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। इसके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो रखी गई है 30 ईयर्स। बाकी SC ST और OBC वाले को एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी मैनेजर फाइनेंस की। इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक, मतलब इसका जो CTC बनेगा वो बनेगा 13,50,000 से लेके 40,70,000 रुपये तक। इसकी टोटल पोस्टें जो रहे वो हैं 4। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 2 हैं, OBC की 1 है और SC की 1 है। और इसकी एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट रखी गई है 40, मतलब 40 साल। और हमारी जो डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है, इसमें जो हमारा CTC रहेगा वो रहेगा 18 लाख से लेके 49,70,000 रुपये तक। और पोस्ट कितनी है, 1, और वो कौन सी कैटेगरी की है, अनरिजर्व कैटेगरी की। और इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, 45 रखी गई है। चलिए अब हम इसके क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमारी जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, उसकी जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस अकाउंट की जो क्वालिफिकेशन रखी है वो चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, विथ एसोसिएट मेंबर होना चाहिए ICWA का, मतलब CMA का, या फिर CA, मतलब वो क्या हो, वो ग्रेजुएट हो, साथ में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या वो CWA हो। एक्सपीरियंस क्या चाहिए, शुड हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और जो प्रेफर किया जाएगा, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, एरिया ऑफ द ट्रेजरी मैनेजमेंट, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरनल ऑडिट, कॉस्टिंग एंड बजटिंग एंड मैनेजमेंट और इन्वेंट्री, तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस हैवी मेटल इंडस्ट्री आर प्रेफर विच बेच कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग में है, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस अगर आपको ERP बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम का आपको, तो आपको एडेड एडवांटेज दिया जाएगा। तो ये किस पोस्ट के लिए है, ये हमारी असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है। हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसमें भी आपका ग्रेजुएट विथ आप एसोसिएट मेंबर होना चाहिए, काहे के ICWA के या CA के, मतलब आप ग्रेजुएट हों या इसमें भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA हो। इसमें एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 7 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी जो कंडीशन ऊपर है वही सेम है। हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारी डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट। डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट फाइनेंस अकाउंट की, ये हमारी, इसमें भी क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, ग्रेजुएट होना चाहिए और एसोसिएट मेंबर हो ICWA का और CA का, मतलब इसमें आप ग्रेजुएट और विद CA या CMA होना चाहिए। इसमें जो टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 13 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें भी अगर जो एरिया ऊपर बताए गए हैं उन्हीं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन जर्नल ओनली, सिर्फ ओनली इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस शुड हैव द 10/11/2021 तक आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट के लिमिट कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है इसकी, 24/11/2021 तक है। कट ऑफ डेट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर के लिए 10/11/2021 रखी गई है, मतलब आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं,
24/11/2021 तक भर सकते हैं। और आपके पास जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, आपका सीटीसी, पुराना सीटीसी आपका कितना होना चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आपका मिनिमम 5,70,000 रुपये का सीटीसी हो, मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास 9,50,000 रुपये का सीटीसी हो, और डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास आप इस 13,40,000, ये आपका अकॉर्डेंस मतलब आपका एक्सपीरियंस, मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इस आपको इतना पैकेज मिल रहा हो। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस ऑल द पोस्ट विल बी प्रेफरेबल थ्रू द इंटरव्यू। सारी पोस्टों का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? इंटरव्यू के थ्रू किया जाएगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अगर मोर, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट जाते हैं तो रिटर्न टेस्ट में भी आल्सो कंडक्ट, और जो मीडियम रहेगा रिटर्न टेस्ट का वो भी इंग्लिश ओनली रहेगा। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कहते हैं विजिट, क्या कर सकते हैं, www.midhanai.india.in पर करियर ऑप्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कब कर सकते हैं आप? 10/11/2021 से लेके आप 24/11/2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको फॉर्म की, कैंडिडेट नीड नॉट सेंड द कॉपी ऑफ द हार्ड कॉपी, आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।